मॉर्निंग दोस्तों, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 2 जून 2022, आइए देखते हैं कल क्या क्या हुआ है एक्टिविटीज और आज और आने वाले दिन में क्या क्या एक्सपेक्टेड है। डॉलर इंडेक्स अभी है 102.53। कल थोड़ा सा तेजी देखा गया इंडेक्स पे एंड ये जो हमारा लाइन था उसके ऊपर ही क्लोज दिया है। तो अभी एक जो एक्सपेक्टेशन है कि ये वाला सेंटर बैंड क्या इसके आसपास रेजिस्टेंस लेके नीचे जाता है या ऊपर की तरफ कंटिन्यू होता है, ये हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आरएसआई टर्म्स में भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिख रहा है, लेकिन कभी कभी यहाँ से फिर दोबारा नीचे की तरफ भी आ सकता है। दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट द आरएसआई टर्म्स। तो समथिंग लाइक यहाँ से फिर दोबारा ऐसा घूम भी सकता है। तो हमें देखना है कि ये जो सेंटर बैंड है यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेता है या ऊपर की तरफ तोड़ के चला जाता है, ये हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। डॉलर रुपी में देखेंगे आपका कल एक नैरो रेंज में एक्टिविटीज हुआ है एंड डॉलर रुपी ट्रेडेड इन बिटवीन 77.64 एंड 77.47। वही कंसर्न्स कंटिन्यूड है, जितना कंसोलिडेशन होगा उतना ही ब्रेकआउट पे धमाका करेगा। तो हमें अभी इंतजार के अलावा और कुछ नहीं करना है, देखना है कि कौन सा डायरेक्शन में ये ब्रेकआउट देता है। जीबीपी डॉलर में कल एक अच्छा सा सेल ऑफ हुआ है, जो हम कल प्री करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या तेजी से नीचे की तरफ रिजेक्शन होगा या यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर ये कंसोलिडेट करता तो ये ब्रेकआउट के लिए काफी एक्सपेक्ट प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता। लेकिन कल का जो ड्यूरिंग द डे जो प्राइस मूवमेंट हुआ है उसके हिसाब से एक अच्छा खासा रिजेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे अभी और काफी टाइम के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि कब ये तेजी के साथ ऊपर जाएगा। अभी एज ऑफ नाउ हमें देखना है कि ये कंटिन्यूशन करता है या साइडवाइज मूवमेंट बनाता है। अगर हम यूरो डॉलर में देखेंगे तो यूरो डॉलर में भी अच्छा खासा एक सेल ऑफ आया है कल एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.0660 एंड 1.0639 एंड 1.0627। एक 100 बेसिस पॉइंट्स का एक डाउनवर्ड सेल ऑफ दिखा गया है कल एंड अभी हमें देखना है कि यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या आपका नीचे की तरफ कंटिन्यूशन होता है, ये हमें अभी देखना पड़ेगा। डॉलर येन में देखेंगे, ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना, रेजिस्टेंस नहीं लिया है, फिर यहाँ पर ये पर्टिकुलर लाइन इसको भी तोड़ के ऊपर की तरफ चला गया है। तो डेड बीइंग द केस अभी हमें इंतजार करना है, क्योंकि अभी ये जो सेटअप था लोअर हाई लोअर लो इसको निगेट कर चुका है। तो अभी एक मीन्स ट्रेंडेड डायरेक्शन नहीं रहेगा, अभी ये चॉपी एंड वॉलेटाइल मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर करेंसी पेयर पे। तो हमें अभी नए सिरे से प्राइस एक्शंस को देखना पड़ेगा। जीबीपी आईएनआर में कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 97.91 एंड 96.70 एंड ये जो सपोर्ट लाइन था इसको भी कन्विंसिंगली तोड़ के नीचे की तरफ आ चुका है। दैट बीइंग द केस हमें अभी देखना है कि नेक्स्ट ये आपका सपोर्ट कहां पे लेता है, वेदर इट इज टेकिंग सपोर्ट हियर और इट इज टेकिंग सपोर्ट हियर, इसके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि एट व्हाट पॉइंट इट इज टेकिंग सपोर्ट और कंटिन्यूशन नीचे की तरफ रिवर्सल कंटिन्यूशन होता है। तो ये अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है या यहाँ पे सपोर्ट लेता है उसके बाद उसका
स्ट्रेंथ हमें देखना पड़ेगा, हाउ फास्ट हाउ क्विकली इट इज मूविंग अपवर्ड और नॉट, और अगर नीचे की तरफ कंटिन्यू होता है तो कितना तेजी से कंटिन्यू होता है। अगर हम RSI को देखेंगे तो RSI ट्रेंड लाइन तोड़ चुका है, तो हल्का सा नेगेटिविटी है यहाँ पे। सो RSI टर्म्स में अगर हम सोचेंगे तो इंट्राडे में या आने वाले दो एक दिन में सेल अपटिक्स में भी कंसीडर्ड इन दिस करेंसी पेयर। अगर हम यूरो INR में देखेंगे ये सिमिलर ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे अगर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके लेता तो ये काफी ऊपर चला जाता, लेकिन ये एक कल एक अच्छा खासा सेल अप हुआ है, यानी ये जो रेजिस्टेंस लाइन अच्छा खासा रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रीट हुआ है। दैट बीइंग द केस अभी यहाँ पे थोड़ा इंट्राडे या दो एक दिन के लिए सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर इन दिस करेंसी पेयर। अगर हम येन INR देखेंगे, येन INR में हमें ये पर्टिकुलर लाइन पे सपोर्ट नहीं लिया और यहाँ पर भी ये ब्रेक करके नीचे क्लोज दिया है कल, तो हमारा जो कैलकुलेशन था कि यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा वो निगेट हो चुका है। दैट बीइंग द केस अभी हमें प्राइस एक्शन नए सिरे से देखना है, नए सिरे से इन द सेंस कि अभी आज का प्राइस एक्शन काफी क्रूशियल है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या नहीं जाता है या फर्दर कंटिन्यूएशन होता है, ये हमें मींस ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर हम डॉलर कैंडी देखेंगे, डॉलर कैंडी कल एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन हुआ है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.2676 एंड 1.2600। तो बैक टू बैक दो स्पिनिंग टॉप मींस यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस इनडिसीशन चल रहा है कि आपका नीचे जाऊं या थोड़ा ऊपर की तरफ रिवर्सल्स करूं। तो यहाँ पे हमें ये पर्टिकुलर लेवल पे हमें देखना है कि ये कंटिन्यू करता है नीचे की तरफ आने वाले दिन में या थोड़ा रिवर्सल करता है। ऑसी डॉलर में देखेंगे, ऑसी डॉलर में ये कल अच्छा खासा बुलिशनेस दिख रहा था एंड इट ट्रेडेड हाई ऑफ 0.7230, जो हमारा टारगेट था 0.7250, उसके ऑलमोस्ट नजदीक आके उसके बाद लेटर पार्ट ऑफ द डे में प्राइस गॉट रिजेक्टेड एंड यहाँ पे एक इन्वर्टेड पिनवा टाइप का फॉर्मेशन हुआ है। इट्स ए दिस पर्टिकुलर कैंडल इज ए टिपिकल कैंडल के प्राइस रिजेक्ट हुआ है। दैट बीइंग द केस ये जो आपका 31st मई का लो है उसके लो के नीचे अगर एक दो घंटा सस्टेन करता है तो थोड़ा सेल ऑफ एक्सपेक्टेड हो सकता है इन दिस पर्टिकुलर करेंसी पेयर। अगर हम डॉलर CNH देखेंगे, डॉलर CNH में कल थोड़ा सा यहाँ मींस लो लेवल से प्राइस कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ देखा गया है, तो हमें यहाँ पे जब तक इसके लो के नीचे ब्रेक नहीं करता है या हाई के ऊपर ये वाला हाई के ऊपर कंटिन्यू नहीं करता है तो यहाँ पे थोड़ा सा साइडवाइज वॉलेटाइल चॉपी मूवमेंट एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। अगर हम यूके ऑयल देखेंगे, यूके ऑयल आपका 31st मई को अच्छा खासा सेल अप हुआ है आफ्टर द ओपेक मेंबर्स डिसाइडेड टू कीप रशिया अवे फ्रॉम देयर एसोसिएशन सो दैट देयर प्रोडक्शन इन क्रूड ऑयल में इंक्रीज, बिकॉज ऑफ विच एक अच्छा खासा सेल ऑफ दिखा गया है। उसके बाद आपका कल एक छोटा सा पॉज कैंडल था विच इज ऑल्सो एन इनसाइड वन एंड आज उसके लो के नीचे कंटिन्यू हो रहा है। दैट बीइंग द केस एक सेल ऑफ एक्सपेक्टेड है ये पर्टिकुलर सेटअप है, ये जो इनसाइड बार का कैंसर सेटअप है इसके हिसाब से एक नीचे के तरफ आपका सेल ऑफ कंटिन्यूशन एक्सपेक्टेड है। अगर हम US 10 ईयर ट्रेजरी देखेंगे, US 10 ईयर ट्रेजरी में आपका कल एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ पुल बैक दिखा गया है एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल और इन दिस पर्टिकुलर केस इट्स ए ब्लू कैंडल। एंड अभी हम इंतजार कर रहे थे कि ये सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेगा या नहीं लेगा, रेजिस्टेंस नहीं लिया है तो क्या ये इस पर्टिकुलर लेवल पे रेजिस्टेंस लेगा या ऊपर की तरफ जाएगा, हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शंस देखना है। अगर हम इसको अगर कंटिन्यू करेंगे इस ट्रेंड लाइन को तो यहाँ पे ये RSI टर्म्स में भी हमें देखना है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है या ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है, ये हमें देखना है। तो करेंसी
प्री मार्केट एनालिसिस। अभी इतना ही, आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।